चले अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। हम CSS के अंदर क्लास के बारे में समझेंगे कि क्लास किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हमने डॉक्यूमेंट्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और अपने फोल्डर में जाना है CSS वाले में और यहाँ पर जाके हमने एप्पल के नाम से, सनशाइन के नाम से जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी करना है कि जो पहले फाइल्स खुली थी उनको बंद कर दिया है, फिर कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल ले ली और उसका नाम हमने रख लिया css class web.html। ये हमारी वेब पेज की फाइल हो गई। शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाया और ये बेसिक कोड ले लिया। कंट्रोल एन करके एक और फाइल ले ली न्यू, उसका नाम हमने रख लिया css class.css। ये हमारी CSS फाइल बन गई और अब हम यहाँ जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके हम लिंक को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे CSS वाली फाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब देखें क्लास एट्रीब्यूट है क्या और सबसे पहले किसी एलिमेंट पे ये कैसे लगाते हैं। किसी भी HTML के एलिमेंट पर अगर आप क्लास एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं तो पहले तो आप HTML का एलिमेंट बनाएंगे। जैसे एक HTML का एलिमेंट बनाया, सही, इसमें कोई भी मैंने टेक्स्ट लिख दिए और यहाँ पर इसके नीचे मैंने एक और HTML का एलिमेंट बनाया, उसमें मैंने लिखा दिस इज अनदर एलिमेंट और उसके नीचे मैंने एक और HTML का एलिमेंट बनाया, लिखा दिस इज हेडिंग एलिमेंट। ये एलिमेंट ब्राउजर पे जब हम देखेंगे तो अपने हिसाब से जो इनकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं वो उस हिसाब से दिखा रहे हैं, सही, कोई चेंजेस नहीं है। अब चलते हैं CSS में। तो यहाँ पर अब हम क्लास कैसे डिफाइन करें। देखिए, एक तो हम क्लास डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं डॉट कीवर्ड के साथ और अगर हम चाहें स्पेसिफिक करना किसी सिलेक्टर के साथ तो हमें क्लास डिफाइन करनी होगी, पहले सिलेक्टर लिखना होगा P1, H1 या IMG। स्पेसिफिक उसके लिए कोई क्लास डिफाइन करनी है तो उसके साथ करेंगे। जैसे कि अगर एक क्लास में सिर्फ पी के लिए, यानी कि पैराग्राफ के लिए डिफाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पी लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा। अब जो भी मैं क्लास का नाम रखना चाहता हूँ, जैसे मैं एक क्लास का नाम रख रहा हूँ फॉन्ट सपोज टू बी लार्ज, ठीक है, और उसके आगे उसकी बॉडी बना दी। इस पर मैंने क्या किया, फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी को यूज करते 38 पिक्सल फॉन्ट का साइज सेट कर दिया। फिर मैंने एक और क्लास बनाई पी के लिए ही, स्पेसिफिक सपोज बोल्ड, ठीक है, और उसके अंदर मैंने फॉन्ट डैश वेट प्रॉपर्टी को यूज करके बोल्डर कर दिया। फिर मैंने एक क्लास बनाई BG बैकग्राउंड की क्लास और उसको पी के लिए बनाया और उसके अंदर मैंने कलर डिफाइन कर दिया सपोज ये वाला। और फिर मैंने एक क्लास बनाई पी डॉट एफ सी और उसके अंदर मैंने फॉन्ट के कलर की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया और उसको मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर बता दिया। अब मैंने ये सारी क्लासेस बताई हैं, लार्ज, बोल्ड, BG, FC, सिर्फ पैराग्राफ एलिमेंट के लिए। तो क्या ट्राई करते हैं ये वाली क्लास या ये वाली क्लास या ये वाली क्लास या ये वाली क्लास अप्लाई होगी किसी और एलिमेंट पे, पहले ट्राई करते हैं। तो FC की क्लास को कैसे H3 के एलिमेंट पर हम असाइन करते हैं, तो यहाँ हमने क्लास का एट्रीब्यूट यूज करना है और क्या था, फॉन्ट कलर FC डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया। चेक करते हैं क्या ये इस पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, रिफ्रेश किया तो देखिए कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा क्योंकि ये क्लास स्पेसिफिकली पैराग्राफ एलिमेंट के लिए बनाई गई है। चलें ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पैराग्राफ हमने बनाए हुए हैं दो के सबके। चले, मैं चाह रहा हूँ कि फॉन्ट का कलर इस वाले पैराग्राफ का चेंज करो, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास लिख देने हैं एट्रीब्यूट और जो फॉन्ट कलर की क्लास मैंने बनाई हुई FC, जैसे ही वो यहाँ डिफाइन करूँगा आप देखेंगे इसका फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, सही। अब मैं इस वाले पैराग्राफ पे चाह रहा हूँ कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, तो मैंने जो क्लास बनाई हुई है सपोज टू बी P में जाके क्लास और क्लास पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी
लार्ज, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो देखे इसका फॉन्ट कलर लार्ज हो गया। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है, नहीं आ रही, वेरी सिंपल है। देखें यूजुअली जब आप वर्ड एक्सेल यूज करते थे तो आप फॉन्ट को बड़ा करने के लिए क्या करते थे, सिलेक्ट, यहां से फॉन्ट साइज बढ़ा देते थे, बोल्ड करने के लिए बोल्ड कर देते थे, इटैलिक करने के। अब ये तो आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, आपको पता है बैकग्राउंड में कैसे कोड चल रहा है? नहीं पता था। अब ये काम आप कोड से कर रहे हैं, कैसे? आपने इन बटन के कोड्स को यहाँ बनाया कि भाई पैराग्राफ के लिए ये मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम है लार्ज, और इसको जब भी मैं किसी एलिमेंट पे लगाऊंगा पैराग्राफ पे तो उसका फॉन्ट जो भी होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा वो हो जाएगा 38 पिक्सल, और जब इस क्लास को, बोल्ड वाली क्लास को मैं किसी भी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करूंगा तो भले वो बोल्ड होगा या अनबोल्ड होगा वो बोल्ड हो जाएगा, और फिर जब इस वाली क्लास को, बैकग्राउंड वाली क्लास को जब भी मैं किसी एलिमेंट पर अप्लाई करूंगा तो उसका जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो ये हो जाएगा, और जब मैं इस वाली क्लास को किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई करूंगा तो वो जो कुछ भी होगा वो इस तरह का हो जाएगा। चले अब आके देखें, मैंने इस पहली पैराग्राफ पे लार्ज लगाया तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, जब मैंने इस पे इस वाले पैराग्राफ पर एफ सी लगाया तो इसका फॉन्ट कलर चेंज हो गया, है ना? अच्छा, अब ये तो मैंने एक ही क्लासेस अप्लाई करी, अब अगर एक से ज्यादा क्लास अप्लाई करनी हो, मतलब इसका कलर भी चेंज हो, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना हो, तो बैकग्राउंड की क्लास तो मैंने बीजी बनाई है ना, तो फिर हम ऐसे करेंगे स्पेस और दूसरी क्लास को आगे डिफाइन कर देंगे, तो अब यहाँ पर दोनों क्लास के एलिमेंट्स अप्लाई हो जाएंगे। एक मिनट, एक मिनट चेक करूँ जरा बीजी क्लास को मैं। देखिए बीजी क्लास में मैंने प्रॉपर्टी गलत लिख दी थी, इसमें मैंने फॉन्ट के कलर की प्रॉपर्टी लिख दी थी, तो यहाँ पे मुझे लिखनी थी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी और उसमें मुझे ये कलर इसका बताना था। तो अब देखें यहाँ पर मैंने एफ सी फॉन्ट कलर चेंज किया और साथ बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो देखें दोनों चेंज हो गए, समझ रहे हैं? एक क्लास से मुझे बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, एक क्लास से मुझे फॉन्ट कलर मिल रहा है, और दोनों के दोनों इस पे अप्लाई हो रहे हैं। तीसरा, अब मैं इसको बोल्ड भी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोल्ड की क्लास क्या बनाई है, बोल्ड, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से मैंने तीन क्लासेस एक पे लगा दी। अब इस पे मैं दो क्लासेस लगाना चाह रहा हूँ, ये बड़ा तो है लेकिन साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वही बीजी वाली क्लास मैंने इधर भी लगा दी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर उस सिलेक्टर के साथ कोई भी क्लास डिफाइन करके उसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे एक कॉम्बिनेशन के साथ, कहीं पे दो कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?